नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट की 500 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं। चलिए इनकी विस्तृत डिटेल जानते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यह है 24 अक्टूबर 2024। 24 अक्टूबर 2024 से लेकर के 11 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। इस दोनों डेट को के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको nationalinsurance.nic.co.in/recruitment पोर्टल पर जा कर के आपको आवेदन करना होगा। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो 500 वैकेंसी जो आ रही हैं वह स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर आपको जिस स्टेट से आप हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी जो होती है वो भी आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक टेस्ट लास्ट में होगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ जिस राज्य से हैं वहाँ से भरते हैं, तो वहाँ की एग्ज़ाम पास करने के बाद प्री मेंस जो इसमें होने वाला है उसको पास करने के बाद आपको एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा, जिसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये जनरल है, यहाँ पर वैकेंसी आप देख लीजिए। टोटल 500 वैकेंसी है जो कि राज्य वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वैकेंसी के बाद बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। तो एज मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर होने वाली है 1/10/2024 को। यानी कि कोई भी कैंडिडेट 2/10/1994 से पहले और 1/10/2003 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी को छूट मिलने वाली है एज रिलैक्सेशन की एज पर गवर्नमेंट नियम। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1/10/2024 को कैंडिडेट ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, यानी केवल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज उसको रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में रीजनल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी इसका सिलेक्शन होगा तो लास्ट में इसका टेस्ट क्वालिफाइंग का होगा, वो बता दिया है मैंने। अब ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई और इसके फॉर्म की बात, गाइडलाइन देखिए एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है उसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वह प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 60 मिनट इसको दिए जाएंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 मार्क्स होंगे यहाँ पर, और 35 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर क्वालिफाई करता है वो सेकंड एग्ज़ाम के लिए जाएगा और वो होगा मेन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन ये भी होने वाला है। यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 200 मार्क्स के, और टोटल मिनट मिलने वाला है आपको 120 मिनट। यहाँ पर आपके रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी का टेस्ट होने वाला है, जिसको पास करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा लोकल लैंग्वेज के लिए। और इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको दिया गया है नवंबर में, आपका दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके लिए डेट दी गई है पहले से ही। तो ये थी बेसिक डिटेल यहाँ की। अब ये राज्य वाइज कहाँ कहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं ये भी आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिए, जिसको मैं बढ़ाकर आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा, जहाँ पर आपका सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है किस राज्य में। तो इस तरह से आपको देना है। और इसके बाद हम बात करते हैं फीस की। तो जितने भी ऑल कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूवीडी और ईएक्सएस को छोड़ करके, उनको 850 रुपये फॉर्म लगने वाला है फॉर्म की फ़ीस, और 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस एससी एसटी पीडब्ल्यूवीडी और ईएक्सएस को आपको लगने वाला है। अब आपको अप्लाई अगर करना है तो आपको इसके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट फ़ीस करनी होगी और स्कैन एंड अपलोड द फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और 24 अक्टूबर से ओपन है और 11 नवंबर को यह फॉर्म बंद हो जाएगा। हैंड डिक्लेरेशन जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखना है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए मैंने बताया nationalinsurance.nic.co.in की साइट पर जाकर के आप अप्लाई ऑनलाइन करके फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन क्या क्या आपको कैसे साइज में रखना है यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको देख लें क्या क्या साइज में आपको स्कैन कॉपी रखनी है। ये थी बेसिक जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अन्य जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पर अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।